अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं हम सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, ठीक ठाक रखे। एम्ब्रॉयडरी, हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी एक ऐसी चीज़ है कि जो है हमारी ड्रेस को खूबसूरत बना देती है। हम अपनी मर्ज़ी से इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सिंपल प्लेन कपड़ा लेकर जिसमें विदाउट प्रिंट वगैरह हो तो उसमें हम डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक ये देखें, ये सिंपल प्लेन कपड़ा है, इसमें सिर्फ लाइंस लगाई गई हैं। इस तरह की लाइंस लगी हुई आपको मिल भी जाता है कपड़ा, कभी कभी नहीं भी मिलता। तो सिर्फ इसके नेक पर डिज़ाइन है तो कितना खूबसूरत लग रहा है ये। इस तरह आपका कोई गाउन वगैरह है या फिर आपका कोई लॉन्ग फ्रॉक है तो उसके आप इसे नेक या बाजू वगैरह पर भी यानी स्लीव पर भी काम कर सकते हैं। दुपट्टा हो, दुपट्टा सिंपल हो, प्लेन दुपट्टा हो, इस तरह उस पर भी आप यानी कि एम्ब्रॉयडरी वगैरह कर सकती हैं या करवा सकती हैं। तो ये बहुत खूबसूरत लगता है इस तरह, यानी कि एक सिंपल सी डिज़ाइन को भी इतना यानी कि खूबसूरत सा बना देते हैं। ये पिंक देख सकते हैं, इसमें भी एम्ब्रॉयडरी की गई है, मतलब हाथ की कढ़ाई हुई हुई है। इसमें सिर्फ 2-3 कलर इस्तेमाल किए गए हैं और ये बहुत अच्छा लगता है। इस तरह आप अगर हाथ में की कढ़ाई करें या मशीन की करवा रहे हैं उसको अगर आपने थोड़ा सा यानी कि लुक चेंज करना है तो उसके जो मतलब किनारे होते हैं उस पर आप तिल्ला का काम भी कर सकते हैं, मतलब सिंपल आउटलाइन जो होती है वो कर सकते हैं तो अच्छा लगता है। ये जैसे ये देख सकते हैं पिंक है, इस पर थोड़ा सा डार्क पिंक कलर लेके उसके सिर्फ नेक पर डिज़ाइन डाला गया है तो ये अच्छा लग रहा है। इस तरह इसी सेम में फ्रॉक है, ये टॉप है, शॉर्ट यानी फ्रॉक कह लें, टॉप कह लें, इसके भी नेक पर जो काम है तो ये अच्छा लग रहा है। सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है। आम कैजुअल ड्रेसेस के लिए ये अच्छे लगते हैं। इस तरह आप सिंपल ये इसकी जगह आप शीशे भी लगा सकते हैं या फिर आप कुछ यानी कि सिंपल कढ़ाई की लाइन भी कर सकते हैं। ये देख रही है एक शॉर्ट सा डिज़ाइन है, कितना खूबसूरत है, ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और येलो और पिंक कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस तरह ये फ्रॉक पर भी देख सकते हैं आप, बाज़ार से भी ये काम करवा सकते हैं इजीली, यानी कि मार्केट में यानी कि कढ़ाई वगैरह के आपको काफ़ी डिज़ाइन मिल जाती हैं। हैंडमेड भी इस तरह कर सकते हैं, ये ज़बरदस्त लगते हैं। सिंपल से ड्रेस अगर आजकल जो प्रिंट वाले हैं वो ज़्यादा 3 पीस कम ही यूज़ होते हैं, मोस्टली सिंपल लेकर आप उस पर डिज़ाइन वगैरह करवा लेते हैं। लाइक इस तरह इसके टिशू के बाजू हैं और इसके सिर्फ नेक पर काम हुआ है और दुपट्टे पर लैस लगी हुई है। सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा इस पर काम वगैरह नहीं है और इसके भी नेक पर ही काम है। और ये इस पर ऑफ वाइट कलर की कढ़ाई है, मतलब कुछ इसमें कंट्रास्ट वगैरह भी नहीं किया गया तो कितना अच्छा लग रहा है। इस पर भी सिंपल ऑरेंज कलर का, ऑरेंज एंड ग्रीन कलर का काम हुआ है, वो एक कॉम्बिनेशन एंड सिंपल है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देख सकते हैं इसमें हैवी एम्ब्रॉयडरी भी आ जाती है, लाइट भी आ जाती है, ये अपने पे डिपेंड करता है। अगर कैजुअल ड्रेसेस है तो उसमें लाइट अच्छी लगती है, बट अगर आपका कहीं आने जाने के लिए वो ड्रेस है तो वो आपके लिए ऑब्वियसली हैवी अच्छी लगेगी। ये देख सकते हैं नेक पर एक सिंपल सी लाइन है, नेक लाइन तो ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इस तरह छोटे छोटे काम किए हुए भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। लाइक ये देख सकते हैं इस तरह का आप बॉर्डर अपने दुपट्टे पर, अपने दामन स्लीव्स या फिर नेक वगैरह पर भी यानी कि डिज़ाइन कर सकते हैं तो ये अच्छा लग रहा है। और लाइक ये देख सकते हैं इसका दुपट्टा है, बट इसके साथ की सिर्फ शीशे लगाए गए हैं और दुपट्टे के साथ की पट्टियाँ डब्बी से काट कर तो उसका डिज़ाइन बनाया गया है गले पर। इस तरह के डिज़ाइन भी अच्छे लगते हैं, इन कढ़ाई के मुख्तलिफ नाम होते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन वगैरह होते हैं। इस तरह सिंपल कपड़ा लेकर आप उसके ऊपर कट मोती होते हैं वो लगा सकते हैं। देखिए सादी जो उसकी साइड है वो कितनी अजीब सी लग रही है, मतलब बिल्कुल ही बोर सा लग रहा है, और थोड़े से जिन पर मोती वगैरह लगे हुए हैं वो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इस तरह हम थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी करते रहना चाहिए अपने ड्रेस को खूबसूरत बनाने के लिए। अब ईद भी आ रही है तो उसके लिए अपने सिंपल से बोरिंग से ड्रेस को कुछ ना कुछ उसमें डिज़ाइनिंग करके रीडिज़ाइनिंग कर लें, उसको कुछ ना कुछ क्रिएट कर लें। एम्ब्रॉयडरी वगैरह का आजकल ज़्यादा ट्रेंड है तो वो आप कर सकते हैं। होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।